चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का भाग 17। यहाँ भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जुड़े होंगे उत्तराखंड से संबंधित व्यक्तियों को मिले हुए पुरस्कारों से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुंदरलाल बोगुणा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो जो हमारे पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बोगुणा, इनको पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। इनको पद्म विभूषण 2009 में मिला और इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया था, वो था हिमालय बचाओ देश बचाओ, और चिपको आंदोलन से संबंधित ये रहे। अगला हमारा प्रश्न है, यशोधर मठपाल को पद्मश्री कब मिला? तो जो हमारे इतिहासकार हैं यशोधर मठपाल, इनको पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर है 2005। इन्होंने फड़का नौली और पेट साल जो अल्मोड़ा में सहल चित्र वाली गुफाएं मिली उनकी खोज की थी। अगला प्रश्न, बछेंद्री पाल को पद्म विभूषण कब मिला? तो बछेंद्री पाल जो हमारे राज्य की प्रमुख और राज्य या देश की प्रमुख पर्वतारोही हैं बछेंद्री पाल, तो इनको पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो इसका सही आंसर है 2019 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। अगला हमारा प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो महत्वपूर्ण पर्यावरणविद है चंडी प्रसाद भट्ट, प्रमुख है, तो चंडी इनको जो गांधी शांति पुरस्कार वो किस वर्ष मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, जबकि 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया जो एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला प्रश्न, रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी कब मिला? तो साहित्य अकादमी कब मिला रमेश चंद्र शाह को? तो इसका सही आंसर है 2014 में रमेश चंद्र शाह को दिया गया साहित्य अकादमी। अगला हमारा प्रश्न, प्रसून जोशी को पद्मश्री कब मिला? तो फिल्म और संगीत से जुड़ा हुआ नाम है प्रसून जोशी, तो इनको पद्मश्री कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है 2015। अगला हमारा प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? तो हमारे साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनको पद्म विभूषण दिया गया था 1961 में, जबकि 1968 में उनकी एक महत्वपूर्ण रचना चिदंबरा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला हमारा प्रश्न, दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो समाज कार्य से जुड़े हुए हैं दीप जोशी, झारखंड में इनका कार्य क्षेत्र है, उत्तराखंड से जुड़े हुए ये नाम है, तो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 2009 में। अगला हमारा प्रश्न, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री कब दिया गया? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री दिया गया था 2005 में। हमारा अगला प्रश्न, मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री कब मिला? तो हम मधुमिता बिष्ट को जानते हैं बैडमिंटन क्वीन नाम से, इनको हमारा पद्मश्री दिया गया 2006 में। अगला प्रश्न, बसंती बिष्ट को पद्मश्री कब मिला? तो जागर गायिका हैं बसंती बिष्ट, प्रसिद्ध हैं, तो इनको जो पद्मश्री दिया गया था वो दिया गया था 2017 में। अगला हमारा प्रश्न, दरबार सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला? तो प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़े थे दरबार सिंह नेगी, तो इनको जो पद्मश्री दिया गया वो दिया गया था, पद्मश्री नहीं विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, वो दिया गया 1914 में, जबकि इनके साथ गब्बर सिंह नेगी को 1915 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। अगला हमारा प्रश्न, रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण कब मिला? तो हमारे अंग्रेजी साहित्यकार हैं रस्किन बॉन्ड, इनको पद्म भूषण कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है 2014 में, जबकि 1999 में इनको पद्म श्री दिया गया था, और 1992 में इनकी रचना अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा को मिला था साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न, रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री कब मिला? तो इसका सही आंसर हम बता चुके हैं 1999 में दिया गया था। अगला प्रश्न, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो वीरेन डंगवाल जो हमारे साहित्यकार हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2004 में, और ये दिया गया था उनकी पुस्तक दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। अगला हमारा प्रश्न, प्रीतम भरतमाण को पद्मश्री कब मिला? तो जागर सम्राट कहते हैं हम प्रीतम भरतमाण को, 17 सितंबर इनका जन्मदिवस है जिसको जागर दिवस के रूप में मनाते हैं, तो प्रीतम भरतमाण को पद्मश्री मिला था 2019 में। अगला हमारा प्रश्न, कुंवर सिंह नेगी को पद्म विभूषण कब मिला? तो ब्रेल लिपि से संबंधित नाम है कुंवर सिंह नेगी, ब्रेल लिपि के लिए इन्होंने काम किया है, तो इनको जो पद्म विभूषण दिया गया वो दिया गया था 1990 में। अगला हमारा प्रश्न, लीलाधर जगूड़ी को पद्मश्री कब मिला? तो जो हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं लीलाधर जगूड़ी, इनको पद्मश्री कब दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004, जबकि 1997 में इनकी पुस्तक अनुभव के आकाश में चांद को साहित्य अकादमी दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, लवराज धर्मसक्तु को पद्मश्री किस लिए मिला? तो जो हमारे लवराज धर्मसक्तु हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण के लिए इनको पद्मश्री दिया गया, और ये दिया गया था 2014 में। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण कब मिला? तो जो हमारे पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट, इनको पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। तो ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जुड़े हुए थे प्रमुख पुरस्कारों से